एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन होममेकर। आज मैं आपके साथ एक क्लीनअप प्रोसेस शेयर करने वाली हूँ जिसमें कि मैं यूज़ करूँगी कॉफ़ी का। जी हाँ, कॉफ़ी हमारी स्किन को काफ़ी ब्राइटनेस प्रोवाइड करता है और हमारे चेहरे पे जो थकान है उसे भी दूर करता है। कॉफ़ी के कई सारे और भी बेनिफिट्स हैं हमारी स्किन के लिए, जिस तरह से कि अगर आपके चेहरे पे पफिनेस की प्रॉब्लम है तो स्वेलिंग की प्रॉब्लम है तो वो उसे भी काम डाउन करता है। साथ ही साथ आपके डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम कम होती है, आपके एक्ने की भी प्रॉब्लम कम होती है। तो आइए देख लेते हैं इस क्लीनअप प्रोसेस के लिए हमें क्या चाहिए। फ्रेंड्स, इस क्लीनअप को करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है आइए देख लेते हैं। सबसे पहले आप अपनी पसंद का कोई भी फेस वॉश ले लीजिए। इसके बाद आपको चाहिए कॉफ़ी, सुगर, हनी और मिल्क। अब इस क्लीनअप का प्रोसेस देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे फेस वॉश लिया है और इसमें थोड़ा सा कॉफी पाउडर मिक्स करना है। इस फेस वॉश से आपको अपने चेहरे को क्लीन कर लेना है। तो अब मैंने अपने चेहरे को क्लीन कर लिया है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम बनाएंगे अपने लिए स्क्रब। कॉफी एंड सुगर को अच्छी तरह से मिक्स करना है और यहाँ पे हम थोड़ा सा मिल्क भी ऐड करेंगे। ये मिल्क हमारी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है। तो इस तरह से आपको स्क्रब कर लेना है। सुगर एक नेचुरल स्क्रब के तौर पे जाना जाता है, तो ये आपके चेहरे से डेड स्किन सेल्स को निकालने में काफ़ी हेल्पफुल होता है और ये नेचुरल इंग्रेडिएंट है तो आपके स्किन पे कोई इसका साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। तो इसी तरह से हम 5 मिनट्स तक इसे अच्छी तरह से स्क्रब करेंगे अपने चेहरे पे और फिर हम इसे नॉर्मल वाटर से क्लीन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने जो स्क्रब लगाया था उसे मैंने क्लीन कर लिया है, आप देख सकते हैं। और चेहरे पे थोड़ा रेडनेस भी हो रहा है बिकॉज जब आप स्क्रबिंग करते हैं तो आपके फेस पे थोड़ा रेडनेस आ जाता है कई बार। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारा टी जोन होता है यहाँ पे वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम होती है कई बार, तो उसमें भी ये काफ़ी इफेक्टिव है। आपके स्किन को ये बहुत ही अच्छी से डीप क्लीनिंग प्रोवाइड करता है। हम अपने लिए बनाते हैं एक फेस पैक जिसमें कि हम अगेन कॉफ़ी यूज़ करेंगे। इस फेस मास्क को बनाने के लिए हम लेंगे कॉफ़ी और कॉफ़ी में हम अगेन थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे, थोड़ा सा हनी भी ऐड करेंगे। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हनी एक काफ़ी अच्छा नेचुरल मॉइस्चराइज़र माना जाता है, तो ऐसे में अगर आप हनी को अपने किसी भी फेस पैक में यूज़ करते हैं और आपको ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है तो आपकी स्किन को ये काफ़ी अच्छे से नॉरिश करता है और मॉइस्चराइज रखता है। तो अब मैं इस फेस पैक को अपने चेहरे पर अप्लाई कर लेती हूँ। तो कुछ इस तरह से आपको इस फेस पैक को अपने चेहरे पे अप्लाई कर लेना है और आपको इसे 15 मिनट्स के लिए अपने चेहरे पे लगा के रखना है। इसके बाद आप इसे नॉर्मल पानी से क्लीन कर लीजिए। आप भी कॉफ़ी क्लीनअप ट्राई कर सकते हैं और आप मुझे इसका इफेक्ट कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके लिए कितना इफेक्टिव रहा। देख सकते हैं कि इस कॉफ़ी फेस मास्क का इफेक्ट मेरे चेहरे पर क्या आया है। मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ब्राइट एंड पॉलिश्ड लग रही है। तो अगर आप भी अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाना चाहते हैं और इंस्टेंट ब्राइटनेस चाहते हैं तो आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में भी कॉफ़ी क्लीनअप करके अपने चेहरे को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। इंडियन होममेकर की तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।